The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So, नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर परमजीत, आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। आज हम बात करेंगे आपके पैरों में, एंकल में, फुट में, अगर पैर आपके सूजे लगते हैं, कभी कभार ऐसा लगता है चप्पल पहनी है निशान आ गया या फिर पैरों में सूजन है, तो उसका क्या मतलब होता है, पैरों में सूजन का क्या मतलब होता है, ठीक है। और यहाँ हम बात कर रहे हैं पेनलेस, यानी दर्द नहीं है, सिर्फ पैरों में सूजन है, पैरों में दर्द हो रहा है, पैरों के नीचे एंकल्स में, एड़ियों में दर्द हो रहा है या पूरे के पूरे फुट में दर्द है, उसके अलग कारण है, उसका अलग से हम बताएंगे आपको। आज अभी पहले बात करते हैं कि एंकल में सूजन होती है, फुट में सूजन होती है, लोअर लेग में सूजन होती है, तो उसका क्या मतलब है, और क्योंकि बहुत कॉमन है और कुछ थोड़े उम्र बढ़ जाती है तो और कॉमन हो जाता है, इसके क्या कारण है, क्या उसके मायने हैं, ये आपको पता होना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो है, पूरा देखिए और इसको शेयर ज़रूर कर दीजिए। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, पहले लाल बटन दबा के बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। दूसरा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है कि यहाँ पर पेनलेस स्वेलिंग की बात कर रहे हैं, एक पैर में सूजन हो सकती है, दोनों में सूजन हो सकती है, पूरे काफ तक, ऊपर आपकी पिंडलियों तक सूजन हो सकती है पैरों के। और यहाँ पर क्यों होती है सूजन पैरों में, क्योंकि ग्रेविटी नीचे खींचती है, तो ग्रेविटी से पैरों में सूजन आने लगती है। तो यहाँ सूजन के कारण बहुत सारे होते हैं, कई बार इन कारणों में से एक से ज़्यादा कारण एक साथ होता है। आइए बात करते हैं क्या कारण होता है पैरों में सूजन, क्योंकि ग्रेविटी से ये डिपेंडेंट एडिमा जिसको बोलते हैं क्यों होता है। फर्स्ट मोस्ट कॉमन रीजन इज ओवरवेट, जब आपका वजन ही ज़्यादा है तो वजन ज़्यादा आपके पैरों को झेलना पड़ता है, तो खड़े खड़े नीचे जो वेन्स हैं वो सूजने लग जाती है, या फिर बहुत देर तक काम करते हैं तो सूजने लग जाती है। दैट इज समथिंग वे जो आप इसको कहते हैं वेरिकोसिटीज आने लगती है, छोटी मोटी वेरिकोस वेन के जैसे। दूसरा सबसे कॉमन कारण जो है वो है उम्र के साथ, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है ऐसा होता है, बिकॉज वेन्स की जो उसकी क्षमता है वो ढीली होने लग जाती है, तो वो सूजन आने लग जाती है, प्लस उसके अंदर जो वेन्स में पोरस होती है वो फ्लूइड्स उसमें से लीक होने लगते हैं, तो भी सूजन होती है उम्र के साथ, मोटापे के साथ। नंबर तीन, आपके पैरों में अगर कोई इन्फेक्शन हो, पैर में अगर इन्फेक्शन होगा, जैसे कहीं पे इन्फेक्शन होता है तो वहाँ से पानी रिसता है, पैर में इन्फेक्शन है तो पैर सूजेगा, उस समय इनिशियल स्टेज पे दर्द नहीं होगा, फिर दर्द होगा। इसलिए इन्फेक्शन दोनों कारण हो सकते हैं, दर्द वाला पैर में सूजन, बिना दर्द वाला, लेकिन ओवरवेट है या उम्र के साथ बिना दर्द के सूजन होगा। और पैरों में क्लॉट भी हो सकता है, क्लॉट अगर पैर में है उसमें भी सूजन के साथ दर्द होगा, लेकिन सूजन पहले आएगी, बाद में दर्द शुरू होगा, तो इनिशियल स्टेज में दर्द नहीं होगा, सिर्फ सूजन होगी। फिर एक और चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं वीनस इनसफिशिएंसी, यानी कि जो पैरों में वेन्स हैं वो प्रॉपरली पंप नहीं कर पा रही। यस, पैरों में एक और पंप होता है, आपका वीनस पंप होता है जो पैर में होता है, काफ मसल, जैसे जैसे आप चलते हैं वेन्स आपके ब्लड को ऊपर पंप करती हैं हार्ट की तरफ, इसीलिए वो ग्रेविटी के अगेंस्ट, उसके खिलाफ ब्लड को पंप कर पाती हैं। ये अगर पैरों का पंप सही से काम नहीं कर रहा तो उसे वीनस इनसफिशिएंसी बोलते हैं, क्रोनिक वीनस इनसफिशिएंसी से पैर बड़े बड़े होने लग जाते हैं, सूजन होने लग जाती है। सो ये इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर मान लीजिए आपको वेरिकोस वेन था, आपने पैरों में से कोई भी सर्जरी करवाई है पैरों में, या पेल्विस में कोई सर्जरी कराई है, तो इन सारे कारणों में भी आपके पैरों में सूजन आ सकती है, क्योंकि वेनस ड्रेनेज, जब भी आपका वेन वापस लेके आने में उसको दिक्कत होगी, ऊपर से अगर दबाव है, गांठ है, कुछ है जो दबा रहा है, तो पैरों में सूजन होगी। इसके अलावा लंबी फ्लाइट में, लंबे कार राइड में, या लंबे समय तक खड़े होने में, बस कंडक्टर टाइप वाले जॉब में, या फिर ऐसे कोई जॉब है जिसमें खड़े होके बहुत लंबा काम है, आपके पैरों में सूजन आ सकती है। फीमेल्स में, औरतों में सूजन ज़्यादा आती है, क्योंकि खासकर अगर कोई फीमेल
उम्र के बाद, एक उम्र के बाद ईस्ट्रोजन का अगर हार्मोन रिप्लेसमेंट ले रहे हैं मे बी उनके मीनोपॉज के बाद, तो ईस्ट्रोजन का इफेक्ट जो है वो ज़्यादा आता है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे जब ईस्ट्रोजन हार्मोन ज़्यादा होता है तब आपके पैरों में सूजन ज़्यादा आती है। तो फीमेल्स में दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रीज़न। प्रेगनेंसी में भी सूजन होती है पैरों में, वो सबको पता है, क्योंकि पेट इतना बड़ा, यूट्रस बड़ा हो जाता है, वो आपके पैर से खून को वापस आने के दबाव डालता है, पैरों में सूजन होती है, साथ में वजन भी बढ़ जाता है, एक्टिविटी भी कम हो जाती है, तो पैरों में सूजन होती है प्रेगनेंसी में। अगर बहुत ज़्यादा सूजन होगी प्रेगनेंसी में तो वो भी एक साइन है कि प्रेगनेंसी में प्री एक्लेम्पशिया हो सकता है, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, वो अलग है, प्री एक्लेम्पशिया का वीडियो अलग है, वो अलग से देख सकते हैं। अगर आपके पैरों में सूजन है, दोनों पैरों में है और ऊपर तक आ रही है, तो ये और भी कारण हो सकते हैं। इसके अलावा एक कारण होता है हार्ट फेलियर। हार्ट अगर फेल हो रहा है तो पैरों में सूजन के साथ साथ सांस भी फूलेगा। किडनी फेलियर भी हो सकता है, किडनी फेल हो रही है तो पैरों में से लेके पूरे मुंह तक सूजन आ सकती है, जिसको हम पूरी बॉडी में स्वेलिंग आ सकती है, उसको NSR का बोलते हैं। और लिवर फेलियर में भी ऐसा होता है, जब बॉडी में बहुत ही कम प्रोटीन है, अल्ब्यूमिन है, तो पूरी बॉडी में सूजन आ सकती है। सो ये भी देखना होता है कि कहीं पेशेंट लिवर किडनी या इस तरीके के फेलियर में तो नहीं है। और कुछ दवाओं से भी ऐसा हो सकता है, जैसे एम्लोडिपीन नाम का कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ब्लड प्रेशर की मेडिसिन से पैरों में सूजन आती है, डिपेंडेंट एडिमा होता है, दवाई बदल देने से ठीक हो जाएगा। एंटी डिप्रेसेंट जैसे माओ इनिबिटर्स, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट जैसे एमीट्रिप्टिलिन, उससे भी कुछ लोगों में पैरों में सूजन हो, सबको नहीं होती, कुछ लोगों में होती है, ये भी सब में नहीं होती। स्टीरोइड लेने से पैरों में सूजन हो सकती है। ईस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन जैसे हार्मोन रिप्लेसमेंट लेने से पैरों में सूजन हो सकती है। तो ये सारे कारणों को इवैल्यूएट करना होता है कि आपको अगर सूजन हो रही है तो कौन कौन से कारण इन्वॉल्व है, कौन कौन से कारण हो सकते हैं और उनको कैसे कैसे ठीक करना है। आप फिलहाल अगर पैरों में सूजन आती है तो घर में क्या केयर कर सकते हो वो समझ लो, बाकी तो आपको डॉक्टर के पास जाना है। अगर आपका सांस फूल रहा है, छाती में दर्द है, हार्ट में दर्द होता है, सांस फूलता है, किडनी की बीमारी है, या पैरों में कोई बुखार जैसा हो रहा है, काला पड़ रहा है, तो ये सारे प्रेग्नेंट है, बुखार है, तो ऐसा कुछ भी है तो आप डॉक्टर को दिखाओ। घर में क्या कर सकते हैं, पैरों के नीचे पिलो रखिए, जब भी आप लेटे हैं हार्ट के लेवल के ऊपर ले जाओ, एक्सरसाइज करो और रेगुलरली अपनी पोजीशन चेंज करो, एक ही पोजीशन पे बैठे मत रहो। सॉल्ट इंटेक, नमक का नमक कम खाओ अपना, जो जिससे कि पानी जो है वो कम बिल्डअप होगा। स्टॉकिंग पहनिए, कंप्रेशन स्टॉकिंग पहनिए पैरों में, जो कि बहुत आसानी से मिल जाएंगे, बस आपको उसको रेगुलरली निकालना है ताकि वहाँ पसीना ना जमा हो बहुत ज़्यादा, वो ना हो। उसके नीचे आप पाउडर लगा सकते हैं, ठंडे इन्वायरमेंट में रह सकते हैं, ट्रैवल कर रहे हैं तो बीच बीच में याद रखिए आपको खड़े होना है, चलना है, बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि 7-8 घंटे बस बैठे ही रहे या लेटे ही रहे या बैठे ही रहें या खड़े रहें, दैट इज़ नॉट समथिंग विच यू शुड डू। और अगर बैठना ही पड़ रहा है तो पैर चलाते रहिए, अपने एंकल्स चलाते रहिए, अपने काफ मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते रहिए, पैरों को कॉन्ट्रैक्ट करते रहिए, दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और टाइट क्लोथिंग अपने थाए में ना पहने, अगर थाइज में आप बहुत टाइट कपड़े पहन रहे हैं, बेल्ट बहुत टाइट बांध रहे हैं, वो भी आपकी फ्लो को हो सकता है रोक दे, इसलिए बहुत ज़रूरी। और वजन कम करें अगर आप मोटे हैं, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप किसी प्रकार की कोई मेडिसिन जो मैंने बताई वो लेते हैं तो अपने डॉक्टर से बात करें, खुद से बदलिए ना, डॉक्टर उसको बदल देंगे, बहुत आसानी से आप ठीक हो जाओगे। तो ये हिसाब किताब आप रखोगे तो पैर की दिक्कत नहीं आएगी। फिलहाल अगर इवैल्यूएट करने की बात आती है तो आपका टेस्ट, आपके ब्लड टेस्ट, एक्सरे हो सकता है, पैरों का कलर डॉपलर टेस्ट हो सकता है, ECG हो सकता है हार्ट के लिए, और यूरिन का भी टेस्ट हो सकता है ये देखने के लिए कि भाई कहीं किडनी के प्रॉब्लम तो नहीं है। CBC ब्लड केमिस्ट्री, किडनी फंक्शन, लिवर फंक्शन, आपका छाती का एक्सरे या फिर पैरों का एक्सरे कि पैरों में चोट तो नहीं लगी है। चोट से भी सूजन आएगी लेकिन उसमें दर्द होगा, फिलहाल हम दर्द के बगैर वाली बात कर रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जिसको आप बोलेंगे पैरों में स्वेलिंग, एंकल स्वेलिंग, फुट स्वेलिंग, लेग स्वेलिंग। तो ये वीडियो ज़रूर ज़रूर शेयर करिए, बहुत ही ज़रूरी वीडियो है, जानकारी सबको होनी चाहिए। मैं हूँ डॉक्टर परमजीत, आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।